फ्रेंड्स, दिस इज़ नैना एंड वेलकम टू साई बाबा इन्फोटेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस। कल के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने इनका जो सिंपल पोर्शन था उस पर डिस्कस किया था। आज हम तीनों टेंसेस का कंटिन्यूअस पोर्शन लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूँ कि टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ले पाना एक वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने जो आपके लिए PDF तैयार करी है उसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स इन तीनों के उसमें ऐड करे हैं, और वो जो सेंटेंसेस, जो एग्जांपल्स मैंने वहाँ डाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब जिनको आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और वो आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, और थोड़ा सा आपका दिमाग में भी थोड़ा सा आपको वो एक्सरसाइज होगी, थोड़ा सा आपको मज़ा भी आएगा कि यार बहुत अच्छे सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए तो हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लो। देखिए फ्रेंड्स, भले वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस हो या वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तीनों में आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन तीनों में जो वर्ब आप यूज़ करोगे उसमें केवल आपको ING लगानी है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं है थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, कुछ नहीं। जो भी वर्ब होगी हम उसकी जो फर्स्ट फॉर्म रहती है हम उसमें केवल ING लगाएंगे। तो ये आप छोटी सी ट्रिक याद रखो कि तीनों के कंटिन्यूअस में वर्ब में केवल ING लगती है। अब इनकी पहचान क्या होती है फ्रेंड्स, अगर वो प्रेजेंट है तो रहा, रही, रहें, इनके साथ आप है लगाओगे, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे कौन काम करेगा फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर इज, एम और आर, ये तीनों काम करेंगे। कौन कौन कब कब लगेगा, सो फ्रेंड्स जो सिंगुलर है उसके साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ में फ्रेंड्स आर लगेगा, और जैसा कि आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम लगता है। अब याद कैसे करोगे कि इज कब, आर कब, तो आप ट्रिक याद कर लो कि सिंगुलर की स्पेलिंग एस से शुरू होती है, इसलिए एस से हम यहाँ पर इज लगा रहे हैं, ठीक है। ये आप ट्रिक बना लो, जैसे मैंने आपको बताई थी कल, वैसे ही आप यहाँ पर ट्रिक याद कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पर। बस आप ये एक छोटा सा जो लाइन यहाँ पे है ना, बस आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, बस यही आपके पूरे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो इसको यही निपटा देगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद या तो इज, या तो एम, या फिर आर, डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट किस तरह का है। वर्ब में ING आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। मोहन एक पत्र लिख रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहचान क्या रहेगी, रहा है, रही है, रहे हैं। तो आपको अगर बोलना हो उस तरह का कुछ भी कि मोहन एक पत्र लिख रहा है, अब फ्रेंड्स मोहन का जो फॉर्मेट है वो मोहन के रूप में ही रहेगा, ही और शी तो है नहीं, तो हम मोहन लिखेंगे। अब मोहन सिंगुलर है तो मोहन के साथ सिंगुलर में क्या लगाएंगे आप, इज, मोहन इज। अब यहां पे वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही, लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट में क्या लगा दोगे आप, ING, राइटिंग अ लेटर, ठीक है। मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, वही है आपका पहचान, देख लीजिए, रहा है, रही है, रही है। अब लड़कियां हैं तो गर्ल्स नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, द गर्ल्स, क्योंकि वो लड़कियां अपने आप में विशेष हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल जा रही हैं, ठीक है, द गर्ल्स। अब ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ क्या लगाओगे आप, आर, द गर्ल्स आर। प्रोसेस, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो, गो में क्या लगाएंगे, ING, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। चलिए, वह मैदान में दौड़ रहा है। अब रहा है यानी कि लड़के की बात हो रही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। दौड़ने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रन, रन में क्या लगा दोगे आप, ING, ही इज रनिंग, और कहाँ दौड़ रहा है वो, इन द फील्ड, ठीक है। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं यानी कि अपने आप में कुछ स्पेशल चीज़ हो रही है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे आप इसका, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल मैच, क्रिकेट खेल रहे होते तो क्रिकेट लिख देते। मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंस पे। फ्रेंड्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप बस इतना ध्यान रखो कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो 1, 2 एंड 3rd नंबर पे आपको क्या लगाना है, नॉट। हमेशा नॉट कब आता है फ्रेंड्स, 3rd नंबर पर। पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है, पूरी की पूरी जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो सेम है, बस 3rd नंबर पे आपको नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए, वह घर नहीं जा रहे हैं, तो वे यानी कि दे, दे, दे के साथ क्या लगेगा, बहुवचन है तो आर, 3rd नंबर पे क्या लगाएंगे आप, नॉट, दे आर नॉट गोइंग टू होम, ठीक है। मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ,
रहा हूँ आ रहा है ना, तो पहचान भी हो रही है इसकी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो मैं यानी कि आई के साथ क्या आता है, एम। थर्ड नंबर पे नॉट, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड में क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, आई एन जी। आई एम नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, अपनी पुस्तक, तो माय बुक। तुम्हारी पुस्तक होता तो योर बुक, ठीक है। चल अगले सेंटेंस देखिए, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। थर्ड नंबर पर नॉट लगाना है एंड कुछ नहीं करना है। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि वह मैदान में दौड़ रहा है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है, तो ही इज़, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, नॉट, ही इज़ नॉट रनिंग इन द फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य पे आते हैं। फ्रेंड्स, जब भी किसी का प्रश्नवाचक वाक्य बनता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे आ जाती है, बाकी सब कुछ वैसा की वैसा रहता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है फ्रेंड्स, इज, एम और आर। सो गाइज, वो क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। डिपेंड करता है सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं के साथ क्या लगता है, एम। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे, एम। एम के जस्ट बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट। प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ पे लिखने की, राइट। राइट में क्या लगाएंगे, आई एन जी। एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। क्या राम मैदान में खेल रहा है, अब राम के साथ क्या लगेगा, इज, तो इज आ गया जाएगा, इज राम प्लेइंग इन द फील्ड। चल अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं। फ्रेंड्स, तीनों के कंटिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी आती है, तीनों के कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे वर्ड्स आते हैं। अब प्रेजेंट है तो है आ जाता है, पास्ट है तो था, थी, थे आ जाते हैं। चलिए अब इसकी पहचान होती है फ्रेंड्स कि इनके सेंटेंसेस के लास्ट में पहचान के लिए वर्ड मिल जाते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, एंड ऑल, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का रोल निभाते हैं वॉज या फिर वर। अब कौन किसके साथ लगता है, तो देखिए, जो वॉज होता है वो आई, ही, शी, इट या फिर कोई एक सिंगल नाम हो तो उसके साथ लगता है, और बाकी जो बचते हैं फ्रेंड्स उनके साथ लगता है वर्ब। यानी कि अगर आपको कहीं आई, ही, शी, इट या फिर किसी एक नाम को आपको देखने को मिले तो आप वहाँ वॉज लगाएंगे और बाकी सबके साथ आप वर्ब लगाएंगे। वही फॉर्मेशन फ्रेंड्स के आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर लगाएंगे, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वॉज वर्ब का सिलेक्शन कौन करवाएगा, ये करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जांपल्स को। हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए पहचान हो गई ना, रहे थे, हम लोग यानी कि वी। वी के साथ फ्रेंड्स क्या लगाओगे आप, वर। सो क्या बन जाएगा इसका, वी वर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। तुम पढ़ रहे थे, तुम के साथ क्या लगाएंगे, देखिए यू के साथ भी क्या आएगा, वर, तो यू वर रीडिंग, ठीक है। मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग, गॉट इट। चलिए, तुम मुझे गाली दे रहे थे, तुम यानी कि यू, यू के साथ क्या आएगा फ्रेंड्स, वर। फ्रेंड्स, गाली के लिए एब्यूज वर्ड आता है और उसमें क्या लग जाएगा, आई एन जी। यू वर एब्यूसिंग मी, तुम मुझे गाली दे रहे थे, ठीक है। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। छात्र जवाब दे रहे थे, जवाब देने का मतलब होता है आंसर करना, अब छात्र स्पेशल है क्योंकि वो जवाब दे रहे हैं, है ना। द स्टूडेंट्स, अब ये प्लूरल हो गया है, वर लगाएंगे, द स्टूडेंट्स वर आंसरिंग। ये कुछ एग्जांपल्स और हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस पे। फ्रेंड्स, नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस आपने जो भी पढ़ा था उसमें यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको क्या पुट करना है, केवल नॉट लगाना है, और वही का वही पूरा फॉर्मेशन आपका सेम रहेगा। देखिए, मैं नहीं जा रहा था, तो आई, अब देखो अगर ये केवल इतना होता कि मैं जा रहा था तो आप क्या बनाते, आई वॉज गोइंग। अब अगर नॉट आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया, तो थर्ड नंबर पर नॉट लगा दीजिएगा, आई वॉज नॉट गोइंग। तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग। वो नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग, ठीक है। वे नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग। वह मेरी मदद नहीं कर रहा था, फ्रेंड्स मदद को हेल्प बोलते हैं, यहाँ पर लड़के की बात चल रही है, तो ही वॉज, थर्ड नंबर पे नॉट लगाएंगे, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी। तुम मुझे गाली नहीं दे रहे थे, यहाँ पे आपने बोला था कि तुम मुझे गाली दे रहे थे, चलिए अब उसमें क्या होगा, थर्ड नंबर पे नॉट, यू वर नॉट अब्यूसिंग मी। अब हम बात करते हैं इनके प्रश्नवाचक पर।
फ्रेंड्स बस इतना सा आपको याद रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे आ जाती है, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अभी आप बोल रहे थे कि मैं जा रहा था, फिर आप कह रहे थे मैं नहीं जा रहा था, अब आप कह रहे हो क्या मैं जा रहा था। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं जा रहा था तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई वॉज गोइंग। अब अगर ये क्वेश्चन फॉर्मेट है फ्रेंड्स तो वॉज आ गया जाएगा, वॉज आई गोइंग। ठीक है, क्या तुम जा रहे थे? वर यू गोइंग। क्या वो जा रही थी? वॉज शी गोइंग। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, क्या वह मेरी मदद कर रहा था? वॉज ही हेल्पिंग मी। अभी आपने यही सेंटेंस यहाँ पढ़ा था है ना, कि वह मेरी मदद नहीं कर रहा था, अब आप कह रहे हैं कि क्या वो मेरी मदद कर रहा था, तो बस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है। क्या तुम मुझे गाली दे रहे थे? वर यू एब्यूजिंग मी। क्या राम सेब खा रहा था? वॉज राम ईटिंग एप्पल। चलिए अब मैं बात करती हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्रेंड्स तीनों में रहा, रही, रहे आते हैं, वो प्रेजेंट था, फिर पास्ट था, अभी फ्यूचर है, तो फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या फिर रहेंगे, रहेगी। ठीक है, ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स पूरा का पूरा फ्यूचर जो होता है वो विल और शैल पर बेस्ड होता है, बस अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती जाती हैं। यहाँ पे जो कंटिन्यूस टेंस बनता है उसमें विल और शैल के साथ में बस बी वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तीनों के कंटिन्यूस में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें आईएनजी आती है। ठीक है, चलिए जब भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस से डील करेंगे तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो विल या शैल, तुरंत बाद बी वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कल ही हमने इस बात को सीखा था कि आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सब के साथ में विल आता है। चलिए एग्जांपल्स बात करते हैं। मैं पढ़ता रहूँगा, देखिए पहचान हो रही ना, रहूँगा या रहा होऊंगा। ठीक है, अब मैं यानी कि आई, आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल। तो सब्जेक्ट है आई, आई के साथ शैल, उसके बाद फिर क्या लगाओगे आप? बी। आई शैल बी रीडिंग। ठीक है, हम लोग काम करते रहेंगे, हम लोग यानी कि वी, वी के साथ शैल, वी शैल बी वर्किंग। हम लोग गरीबों की सेवा करते रहेंगे, वी शैल बी, फ्रेंड्स सर्विंग, सेवा को इंग्लिश में सर्व कहते हैं, वी शैल बी सर्विंग द पुअर। ठीक है, चलिए हम लोग टीवी देखते रहेंगे, वी शैल बी वॉचिंग द टेलीविजन। मैं परीक्षा देता रहूँगा, आई शैल बी। अब परीक्षा देने को यहाँ पे गिव नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम वगैरह के लिए अपीयरिंग वर्ड यूज होता है, आई शैल बी अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे ये जो एड वगैरह आ रहे हैं ये सब प्रपोजिशंस को शो कर रहे हैं। अब अगर नेगेटिव होगा तो घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, टेंशन मत लो। आप सोचोगे कि अरे यार इसमें तो शैल आ रहा है, शैल के साथ बी आ रहा है, हम नॉट का क्या करें? तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, नॉट का तो प्लेस फिक्स है, वो थर्ड नंबर पे आएगा, मतलब आएगा, बी आ जाए चाहे सी आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए फ्रेंड्स, नॉट का बिल्कुल प्लेस फिक्स है कि उसको थर्ड नंबर पे आना है, मतलब आना है। मैं पढ़ता नहीं रहूँगा, अब देखो अगर इसमें से अपन ही हटा दें तो सिर्फ आप क्या लिखते, आई शैल बी रीडिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बोल रही हूँ, मैं पढ़ता नहीं रहूँगा, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, वही फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे नॉट, आई शैल नॉट बी रीडिंग। बी से बिल्कुल मत घबराओ, आपको तो बीच में दरार पैदा करनी है, थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है। ठीक है, हम लोग काम करते नहीं रहेंगे, वी शैल, अब थर्ड नंबर पे क्या जाएगा? नॉट, बी बाद में आएगा। ठीक है, बच्चे पते क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैंने बहुत सी बार देखा है कि वो लोग कैसे लिखते हैं, वी शैल बी और फिर लगाते हैं नॉट। वो ये सोचते हैं कि ये पेयर है, ये जोड़ा है, शैल बी विल बी, मतलब ये खानदान के हैं, ये साथ में बैठेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बीच में आप दरार पैदा करो, बीच में नॉट लगाओ। ठीक है, वी शैल थर्ड नंबर पर नॉट, बी सर्विंग द पुअर्स, हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे होंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ लीजिए। तुम खड़े नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी स्टैंडिंग, खड़े होने को स्टैंड बोलते हैं। वह बैठा नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी सिटिंग, हम लोग टीवी देखते नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी वॉचिंग द टेलीविजन। चलिए क्वेश्चन वाले पे आते हैं, सबसे आगे विल शैल आ जाएंगे फ्रेंड्स। देखो अब इसमें भी गड़बड़ करते हैं बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे वो बोल रही थी ना मैं आपसे कि वो शैल बी विल बी के साथ में लेके जोड़ा बना के चलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि आई शैल बी गोइंग, है ना, तो जैसे नेगेटिव बनाते हैं तो वो बोल देते हैं कि आई शैल बी नॉट गोइंग, मतलब वो जोड़ा बना देते हैं, वो सोचते हैं कि शैल बी और विल बी बिल्कुल साथ में आएंगे, तो वो नेगेटिव सेंटेंस गलत कर देते हैं। ऐसे ही इंट्रोगेटिव भी गलत करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लिख देते हैं
विल बी और फिर लगा देते हैं पीछे जो भी उनको अच्छा लगता है, विल बी ही, ठीक है, विल बी शी। तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो पेयर में आएंगे, बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड्स। ये जो है ना ये मेहमान है तो इसकी वही वैल्यू है, आगे तो केवल विल और शैल ही जाएंगे। ये बी के आ जाने से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं पढ़ता रहूँगा, तो क्या मैं पढ़ता रहूँगा, अब मैं है ना, मैं के लिए क्या आएगा आगे, शैल, शैल आई, बी रीडिंग। क्या हम लोग काम करते रहेंगे, शैल वी बी वर्किंग, ठीक है। अब देखो गलती मत करना कि आप शैल बी आई कर दो या शैल बी वी कर दो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे विल और शैल अकेले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप विल बी और शैल बी को साथ में आगे ले जाओ। क्या हम लोग गरीबों की सेवा करते रहेंगे, शैल वी बी सर्विंग द पुअर। क्या तुम खड़े रहोगे, विल यू बी स्टैंडिंग। क्या वह बैठा नहीं रहेगा, विल ही नॉट बी सिटिंग। बैठने को सिट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा तीनों टेंसेस का कंटिन्यूस वाला पोर्शन। पीडीएफ में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे और बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स मिलने वाले हैं जो इन सबसे अलग हटके रहेंगे। आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप प्लीज़ पीडीएफ ले लीजिएगा। और अपना प्यार इस तरह से बनाए रखिए। चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो फ्रेंड्स पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।